hello friends welcome to biotech sapiens so we are back with another video uh, in the last video i discussed with you about the ramachandran plot and basically i told you that in the next video we'll discuss about the questions which are based on ramachandran plot so please those who didn't see in the video first of all they go through the video and after that only we'll come to know about the questions which are based on ramachandran plot so this is the first question ठीक so है? तो है, तो है, है वो बेसिकली कौन सा होता है आपका राइट हैंडेड एल्फेलिक्स ठीक है तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सो यू नीड टू आंसर अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड एल्फेलिक्स बिकॉज इट इज नॉट मैं क्वेश्चन कि वो राइट right हैंडेड बनाएगा या लेफ्ट हैंडेड तो ऐसा कुछ कुछ होता है तो आपने यही मान के चलना है कि वो राइट हैंडेड अल्फा एलिक्स बना रहा है एंड एज वी नो अकॉर्डिंग टू द रामचंद्रन प्लॉट बोथ द एंगल्स ऑफ राइट हैंडेड अल्फा एलिक्स आर नेगेटिव एंड दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ठीक है तो मतलब अगर ऐसा नहीं है तो आपको राइट हैंडेड अल्फा एलिक्स को ही बेसिकली कंसिडर करके चलना है एग्जैक्ट वैल्यू ठीक है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका बस आपने ये या आंसर याद रखना है एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑबटेन्ड बास ठीक है मतलब

थर्ड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स इन द रामचंद्र प्लॉट ठीक है तो यहाँ पर कुछ आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे है कि पेप्टाइड्स दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल हैव ऑल द बैकबोन एंगल इन द ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत है देखो पेप्टाइड है मान लो उसके अंदर ट्वेंटी हैं थर्टी हैं सो अलग अलग टाइप के एंगल्स के कॉम्बिनेशन होंगे ठीक है क्योंकि लास्ट में तो हम ओवरऑल देखते हैं सो so, अगर जो अनस्ट्रक्चर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है वो डिसअलाउड रीजन में है ठीक है बट इट ड मीन कि सारे के सारे एंगल्स डिसअलाउड रीजन वाले होंगे सारे डिसअलाउड का मतलब है कि सारे एंगल कैसे होने चाहिए आपके प्लस माइनस ठीक है बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो एक तरह से ओवरऑल रिजल्ट होता है ठीक है तो मे बी सम एंगल्स कुछ माइनस माइनस भी हो सकते हैं कुछ आपके प्लस प्लस भी हो सकते हैं या माइनस प्लस भी हो सकते हैं ठीक है देखा इसी कि अगर दोनों एंगल माइनस होते हैं तो राइट हैंडीड एल्फेलिक्स होता है दोनों एंगल प्लस होते हैं तो लेफ्ट हैंडीड एल्फेलिक्स होता है अगर माइनस प्लस होता है तो आपकी बीटा शीट होती है तो एंगल के कॉम्बिनेशन पे इस चीज को हम बेसिकली बता सकते हैं सो इट इज पॉसिबल यहाँ पर उसने नॉट पॉसिबल लिखा है तो इस कारण ये स्टेटमेंट आपकी बेसिकली गलत है द अक्रेंस ऑफ बीटा टर्न कॉन्फर्मेशन है इन पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस ठीक है बीटा टर्न होती हैं जैसे अल्फा एल्फेलिक्स होता है बीटा शीट होती है ऐसे बीटा टर्न भी होती है, होते हैं जिसके अंदर फोर अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड उसकी जो अक्रेंस है उसको हम डिड्यूस कर सकते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज अबाउट सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड सो बेसिकली यू यू विल नॉट गेट एनी आइडिया अबाउट द सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग के लिए आपको एडमिन डिग्रेडेशन या जो आपके सेंजर मेथड होते हैं या जो भी और एडवांस्ड मेथड्स हैं वो करने होते हैं रामचंद्रन प्लॉट इज नॉट गिविंग यू एनी आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दीस आर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रोटीन स्ट्रक्चर तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो डायहेड्रल एंगल्स होते हैं ऑफ एन अमीनो एसिड एक्स ठीक है कोई भी एक एक्स अमाइनो एसिड है इन दैट इज एसिटाइल एक्स मिथाइल अमाइड इन इन द रामचंद्रन प्लॉट अकर इन अ वेरी स्मॉल बट इक्वल एरियाज इन द लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एक्स इज नॉट वन ऑफ द ट्वेंटी कॉडिड अमाइनो एसिड्स ठीक है हाँ बेसिकली क्या होता है ना जैसे हमें वी हैव सम आइडिया की जो ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं सो दिस वी कैन कंक्लूड कि अगर कोई और अमाइनो एसिड है तो वो मे बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है या इट इज नॉट बिहेविंग द सेम वे अदर नॉर्मल अमाइनो एसिड जैसा वो पैटर्न दिखाते हैं ठीक है द डायडल एंगल्स इन ऑफ ट्वेंटी रेजिड पेप्टाइड आर रिप्रेजेंटेड इन द रामचंद्रन प्लॉट इट इज पॉसिबल टू कंक्लूड दैट पेप्टाइड डज नॉट हैव ए प्रोलीन ठीक है ये मैंने आपको पहले ही बताया यू कैनोट बेसिकली गिव एनी स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड Because this is not a sequencing, you're not doing sequencing, okay? So, you cannot say that this is proline, nahi hai, so this is basically incorrect. The two proteins can have a similar fold even if they do not have, uh, they do not share significant similarity in the primary structure. आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ठीक है तो मे बी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप बट द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड ऑल्सो मैटर्स कि वट इज द नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड विच आर प्रेजेंट तो कई बार हो सकता है कि दो प्रोटीन्स हैं दे हैव सम पार्ट विच इज बेसिकली अडोप्टिंग ए सिमिलर फोल्ड बट दे डू नॉट शेयर सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द डी स्टेटमेंट वेन यू डी नेचर प्रोटीन यूरिया

यू यू जस्ट स्टडी द बेसिक पार्ट बट दिस इज अकेशन पार्ट ठीक है तो थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन से आइडिया होता है बेसिस ऑफ दो स्टेटमेंट टू जज की कौन सी करेक्ट है कौन सी आपकी इन करेक्ट है फाई एंड साई वैल्यूज ऑफ बीटा स्टैंड कम्पोज ऑफ ऑल डी अमाइनो एसिव ठीक है देखो जो हमने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा था तो उसमें जो बेसिकली हमारा That plot was basically for L amino acids, है? तो अगर आपने एलअमाइनो एसिड का पढ़ा था तो हमने बीटा स्टैंड यहाँ पे दिखाया था और यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या था माइनस प्लस बट दिस इज फॉर एलअमाइनो एसिड्स तो ऑब्वियसली एल और डी के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस होता है या जो अरेन्जमेंट होती है ग्रुप्स की उसमें डिफरेंस होता है तो अगर आप एल की जगह डी यूज कर रहे हो ठीक है तो उससे क्या होगा कि एंगल जो है वो रिवर्स हो जाएगा मतलब प्लस माइनस हो जाएगा ठीक है और प्लस माइनस का मतलब क्या है कि दैट विल बी योर लोअर राइट ठीक है क्योंकि यहां पर तो दोनों एंगल क्या होते हैं प्लस यहाँ पे होते हैं दोनों माइनस ठीक है तो बीटा स्टैंड अगर एल अमाइनो एसिड वाला है तो उसके अंदर माइनस प्लस है बट डी एसिड वाले में क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस एंड बेसिकली दैट विल लीड टू लोअर राइट ठीक है तो उसके इसमें जो uh, बीटा स्टैंड बनेगा दैट विल ऑक्यूपाई यूर लोअर राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन कॉन्फर्मेशन इज नॉट ट्रू ठीक है देखो इसमें हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके अराउंड जो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर जो कार्बन इन्वॉल्व है तो हमने उसमें डायडल एंगल्स की बात करी है दे डू नॉट बेसिकली रामचंद्रम प्लॉट से आपको बेसिकली साइड चेन जो है अमाइनो एसिड्स की उसके डायडांग हम नहीं बताते हैं तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एक स्टेटमेंट आप जैसे बाकी स्टेटमेंट इसमें आप देख सकते हो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिड्यूस कर सकते हो ठीक हैिमेंबर दिस एज ए फैक्ट थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंपोज ऑफ हंड्रेड अमाइनो एसिड्स ठीक है उसको हम एन से ऑप्टेन कर सकते हैं एन एक टेक्निक होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोरेंस ठीक है तो जो भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे एक हमने एक्सरे डिफ्रेक्शन की बात करी आप इसको और यूज कर सकते हो दैट इज एन ठीक है ग्लोबलर प्रोटीन्स ठीक है प्रोटीन्स को हम दो क्लासेज में क्लासीफाई करते हैं फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जिसमें एक ही टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज्यादा होता है चाहे वो एल्फेलिक्स है चाहे बीटा शीट है लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर हेलिक्स भी होता है बीटा शीट भी होता है सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बीटा टर्स ठीक है तो है, सो दिस इज नॉट द केस प्रलिन के अंदर जनरली ग्लाइसिन सॉरी इसके अंदर बीटा के अंदर जनरली प्रोलिन और ग्लाइसिन ज्यादा होता है ठीक है ग्लाइसिन की प्रेजेंस जो होती है वो टर्न को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाती है और प्रोलिन की प्रेजेंस उसे टाइट बनाती है तो इक्वल चांसेस तो नहीं है ठीक है तो ए स्टेटमेंट आपकी गलत है दूसरा स्टेटमेंट वो लिख रहा है कि प्रोलिन नॉट अक्कर इन बीटा टर्न ठीक है ऐसा नहीं है प्रोलिन बीटा टर्स के अंदर प्रेजेंट होता है और जैसे आप सी स्टेटमेंट देख सी स्टेटमेंट में देख सकते हो प्रोलिन ग्लाइसिन सीक्वेंस स्ट्रॉगली फेवर्स बीटा टर्न ठीक है तो ये आपका करेक्ट है तो ऑब्वियसली वैसे ही अगर आपको पता है ए और भी इनकरेक्ट है तो सारे कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ सीओ डी क्या मिलेगा करेक्ट एस्पाराजिन ग्लाइसिन के अंदर एस्पाराजिन कैन हैव पॉजिटिव फाइ एंड साई वैल्यूज

Proline residues have to beta वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में में भी देखा, ठीक ठीक है? The angles, है? प्लॉट आपने देखा कि जो डायहेड्रल एंगल्स होते हैं अनफोल्डेड प्रोटींस के वो कैसे होते हैं आपके प्लस माइनस ठीक है जब दोनों एंगल पॉजिटिव थे तो वो तो जनरली आपका कौन सा हेलिक्स बनाता है लेफ्ट हैंडेड एलफ एलिक्स ठीक है तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन विद हंड्रेड रेजिडी आपको पता होना चाहिए सो so, इसके अंदर आपको चार स्टेटमेंट दिया आपने करेक्ट आंसर बताने हैं ठीक है पहली स्टेटमेंट यह है कि जो डायडल एंगल्स है ठीक है हमने पहले भी क्वेश्चन किया तो एक्ट बैकमो डायडल एंगल्स हमें

बेटर जो हमें बीटा टर्न्स का है वो हमें एक्सरे स्ट्रक्चर से पता लगता है तो यहां पर आपका बीओडी क्या है आपका करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आर द स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपेंसिटी एंड रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोपेंसिटी होता है ना कि कोई जैसे अगर हम एल्फेलिक्स की बात करते हैं तो जनरली उसके अंदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ज्यादा एलिन वैलिन िन हैज ए हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस इन एल्फा हेलिक्स ठीक है तो ये आपका करेक्ट है प्रोलिन हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी क्योंकि प्रोलिन की जो प्रेजेंस है ना वो एल्फा हेलिक्स को नहीं बनने देती ठीक है एक ही होता है काईवन जनरली ये साइड चेन के बारे में बताता है डस नॉट अफेक्ट दलिक्स प्रोपेंसिटी ठीक है तो ऐसा नहीं है जनरली सीरिन थ्रियोनिन तो ऐसे माइनो एसिड्स होते हैं जो एक तरह से बैंड लेके आते हैं किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर तो ये नहीं है दैट अफेक्ट द हेलिक्स प्रोपेंसिटी ठीक है और बेसिकली ये भी एक हम पढ़ते हैं कि जो पेप्टाइड बोन्स होते हैं इन्वॉल्विंग एन ऑफ प्रोलिन ठीक है तो प्रोलिन की जो प्रेजेंस होती है ठीक है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस ट्रांस ठीक है <coughs> तो यहां पर आपका ए सही है बी गलत है सी गलत है और डी आपका करेक्ट है ठीक है सो द राइट आंसर विल बी ए एंड डी ठीक है सो so, देखो इसमें हमने वी हैव डिस्कस अराउंड टेन क्वेश्चन सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन पार्ट ठीक है तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक थ्योरी पढ़े हमें रामचंद्र प्लॉट की नॉलेज हो हमें अल्फा एल्फेलिक्स पता हो बीटा शीट पता हो बीटा टर्न पता हो एंड आफ्टर दैट आप यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चन सो Thank you so much. I hope you will like this video. And uh, for all this kind of information and basically any of the topic, if you want um, us to make video, you can tell us in the basically uh, in the video. So, this is all about this video. Thank you so much. And for all this kind of information, please subscribe to our channel biotech sapiens.